अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज आपको फाउंडेशन लगाना बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका फेस एकदम से स्मार्ट दिखेगा। और सबसे पहले हम लोगों ने फेस को मॉइस्चर करने के लिए नाइट्रोजीना ब्रांड का जो है वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वेदर इस तरह का चल रहा है कि अगर आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र को फेस के ऊपर लगाओगे तो फेस आपका अच्छा मॉइस्चराइज हो जाएगा और फेस पर चिकनाहट भी फील नहीं होगी। फाउंडेशन फिटमी का यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट सैंड 124 नंबर है, ठीक है। और इसे मैं फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा सा जो है वो लाइट है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो मैबलिन ब्रांड का जो है मतलब के 04 नंबर का फाउंडेशन मिक्स कर लूँगी। और फाउंडेशन को, दोनों फाउंडेशंस को मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी। वैसे भी डार्क कॉम्प्लेक्शन पे जब आप येलो फाउंडेशन अंदर मिक्स करके प्रोडक्ट के फाउंडेशन का यूज़ करते हो तो हमारे स्किन के से बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो मैच करता है। अब अपने फेस पर, नेक पर बहुत अच्छे तरीके से अपने फाउंडेशन को एक डैम जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो अच्छे से ब्लेंड करते चले जाने। और आपने इतना अच्छे तरीके से प्रेसिंग करनी है कि आपका फाउंडेशन जो है वो ज़्यादा प्रेशर से उतरे नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो जो आपने फाउंडेशन की एक लेयर फेस के ऊपर बनाई है वो फेस से हटना शुरू हो जाएगी और वो स्मूथनेस नहीं आएगी फेस के ऊपर। यहाँ मैं जो है यूज़ कर रही हूँ इस वक्त, ये हमारे पास क्लियर का 20 नंबर का फाउंडेशन है, ठीक है। ये डार्क ब्राउन कलर का फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन को मैं एज ए कंटूरिंग फेस के ऊपर यूज़ करूँगी। इस स्टेप में आप देखिएगा कि हमारे फेस फीचर्स जो हैं वो एकदम से चेंज हो जाएंगे और हमारा फेस जो है जैसे गोल आपको दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा, प्रॉपर शेप आ जाएगी। अगर आप हेल्दी फेस पर काम कर रहे हैं तो आप इन स्टेप्स को जो है वो ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, ताकि आप एक स्मार्ट लुक फाउंडेशन को फेस के ऊपर अप्लाई कर सको। और इस फाउंडेशन को लगाने से ये भी फायदा होता है कि आपकी फाउंडेशन जो है वो आपकी कंटूरिंग में मिक्स हो जाती है और फील नहीं होता है कि आपने फेस के ऊपर अलहदा से कोई पाउडरी कंटूरिंग की हुई है। बस ये है कि जब भी डार्क कलर को फेस के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो उसकी ब्लेंडिंग आपने बहुत एहतियात के साथ करनी है, क्योंकि जो आपने इतनी गोरी सी फाउंडेशन फेस के ऊपर फेयर सी यूज़ की है, ये ना हो कि आपकी डार्क कलर की फाउंडेशन की वजह से वो भी काली हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपने डार्क फाउंडेशन को या कंसीलर को यूज़ तो कर लेना है लिक्विड, लेकिन उसकी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है कि आपकी जो आपने फेयर टोन में फाउंडेशन लगाई है वो और आपने जो कंटूरिंग के लिए फाउंडेशन लगाई है उसको स्पेसिफिक एरिया पर रखकर ही ब्लेंड करना है, ठीक है, तभी आपके फेस के ऊपर अच्छा निखार आएगा, फेस फीचर तभी आपके चेंज होंगे। अब जब आपके फेस के ऊपर आपकी फेस की कंटूरिंग अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, फेस एकदम से स्मूथ दिखना शुरू हो जाएगा, तो अब आपने फेस के ऊपर कंसीलर की एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ मैं बहुत लाइट कलर का टार्ट का फेयर नंबर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ मेरी कोशिश होगी कि सबके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूं ताकि आप बाय कर सको, क्योंकि आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं कि प्रोडक्ट्स कहाँ से बाय करें। और अगेन फिर से मैं आपसे यही कहूंगी कि प्रोडक्ट लगाना तो इजी है लेकिन आपने इसको ब्लेंड बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। जिस जगह आपने फेयर फर कलर का फाउंडेशन अप्लाई किया है, लगाने का मकसद ये है कि उसी जगह पर ही रहना चाहिए, ब्लेंड होके टी जोन एरिया हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग जो है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं, फाउंडेशन कंसीलर कंटूरिंग सारों को आपस में मिक्स कर देते हैं, जिससे फेस के जो फाउंडेशन का कलर है वो डार्क हो जाता है, ठीक है, या बहुत लाइट हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। आपने जिस जगह पर प्रोडक्ट लगानी है उसी जगह ही उसको टैबिंग मूवमेंट में बड़े स्मूथली हाथों के साथ ब्लेंड करना है। और जब आपकी फाउंडेशन, आपको फील होता है कि बिल्कुल स्मूथ आपका फेस नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि जब फाउंडेशन बहुत अच्छे से हमारे फेस पर ब्लेंड हो जाती है तो हमारे फेस के ऊपर हमें बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर फील होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अब हमारा फेस रेडी हो चुका है, अब हम इसके ऊपर अपना ईजिली पाउडर की एप्लीकेशन करके जो है वो फिनिशिंग लुक जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारा फेस अब कहीं कंटूर किया है, कहीं हाईलाइट किया है, कहीं फेस एकदम से प्रॉपर फील हो रहा है कि
अच्छे तरीके से हमने अपनी फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर ली हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम अब पाउडर लेंगे और उस पाउडर के साथ टैबिंग मोमेंट में ही जो है वो फाउंडेशन को, पाउडर को अपनी फाउंडेशन पर चिपकाएंगे। ठीक है, ये भी मरला बहुत सेंसिटिव होता है, यहाँ पर भी अगर आप ज़रा भी मतलब के हार्ड हाथों के साथ काम करेंगे तो आपकी फाउंडेशन हिल जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ तक का जो आपका काम है वो आपने बिल्कुल स्मूथ हाथों के साथ अपनी फाउंडेशन को फिक्स करते हुए करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं आपकी फाउंडेशन इधर उधर हिल के आपके सारे मेकअप को जो है वो ख़राब ना कर दे। पैच जो आते हैं ना, पैचेस, आप लोग अक्सर क्वेश्चन करते हो कि मेकअप किया था, कुछ टाइम गुजरा था, पैच आ गए थे। दरअसल वो पैच आते नहीं हैं, आपके फेस पर पहले ही होते हैं, कहीं कम लगी होती है, कहीं ज़्यादा फाउंडेशन लगी होती है। वक्ती तौर पर तो आप पाउडर से उसको कवर कर देते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब पाउडर आपके फेस से उतरता है तो वो नीचे से काली और वाइट कलर की स्किन आपको फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स और टिप्स आपको इस चैनल पर बताई जाती हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और साथ ही हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमने आई मेकअप करना बताया है, ठीक है, बिल्कुल छोटी आई को आप बड़ा प्यारा होलो आईज मेकअप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा ये आई मेकअप लुक देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।